स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल एनकी क्लासेस एंड टुडे आई विल टीच यू द सोप एंड डिटर्जेंट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक इन द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. एंड आफ्टर दिस लेक्चर आई विल डिस्कस यू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कैन पुट अप फ्रॉम दिस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो स्टूडेंट्स बिफोर आई प्रोसीड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Okay students, now come to our topic, that is soap and detergents. So students, in our previous video humne discuss kiya tha saponification. Okay, saponification humne hamare previous video mein discuss kiya tha, which means the formation of soap. Okay, and its ke jo reactants the wo kya the, ester tha ek, theek hai, ये हमारा एस्टर था. इसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया था और रिएक्ट करने के बाद ये सोडियम जो है वो यहाँ अटैच होके और इससे हमको क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. दिस इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और इसे ही हम लोग बोलते हैं सोप. ओके, तो बेसिकली सोप इज़ ए सोडियम और सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है. तो वी कैन से सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो सोप एंड डिटर्जेंट्स है दोनों का जो वर्क है वो है क्लिनजिंग, ठीक है, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं. तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. देखो जनरली जो जो डर्ट होती है, जैसे जो डस्ट वगैरह होती है हमारे क्लोथ्स के ऊपर, उनको अगर हम लोग सिंपल अगर हम लोग वाटर से वॉश करें तो वो रिमूव हो जाती है. बट क्या होता है कि अगर हमारी डस्ट ऐसी है जिसके अंदर ऑयल है, ठीक है, वो बोलते हैं ना जिद्दी दाग, ठीक है, अगर डर्ट ऐसी है, जनरली डर्ट ना ऑयली इन नेचर होती ही है, तो उस कंडीशन में सिंपल वाटर वर्क नहीं करेगा. तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सोप ऐड करना पड़ेगा. सोप और डिटर्जेंट जो भी हो, दोनों कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह का हमारा वाटर है, मतलब सिंपल वाटर है या हार्ड वाटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि सोप यूज़ करना है या डिटर्जेंट यूज़ करना है. ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोप से. देखो स्टूडेंट्स, सोप के लिए मैंने आपको डिस्कस किया था, जैसे ये मेरा जो कंपाउंड है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, इसे मैंने बोल दिया सोप. अब यहाँ सोडियम की जगह आप पोटेशियम भी ऐड कर सकते हो. तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड चैन. ये मैंने दो कार्बन एटम की चैन ली है. इट कैन वेरी, मतलब ये ज़्यादा कार्बन एटम की चैन भी हो सकती है. तो अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक आयोनिक एंड होता है. आयोनिक एंड किस सेंस में, देखो ये जो मेरा पोर्शन है, इधर मेरी कार्बन चेन होगी, ठीक है, मैं उसको भी नहीं लिख रही, ये यहाँ पे मेरा जो ये ऐसे है, तो ये है सोडियम पॉजिटिव चार्ज और ये होगा मेरा नेगेटिव. तो ये मेरा कौन सा एंड होगा, आयोनिक एंड, क्योंकि इस एंड पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आयन्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आयोनिक एंड. और जो आयोनिक एंड होता है उसकी एक खासियत होती है, क्या होता है, वो वाटर लविंग होता है. बेसिकली बच्चों अगर आप लोग देखेंगे जो सोप की, सोप जो होते हैं एक तरह से उनका स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला उनका स्ट्रक्चर है, इधर देखिए आप डायग्राम के अंदर, जैसे ये उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है और ये वाला मेरा पोर्शन है, ये क्या है, लॉन्ग कार्बन चैन है, ठीक है. तो जो वाटर के अंदर जब हम लोग सोप को जब डालेंगे तो उसके अंदर इस तरह से उसके मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाले, तो एक एंड होगा, दोनों एंड जो है एक तरह से मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे. मैग्नेट मीन्स वाटर के अंदर जब हम डालेंगे उसको, सोप को, तो उसके मॉलिक्यूल्स, एक एंड जो होगा मॉलिक्यूल का वो तो किसको अट्रैक्ट करेगा, डर्ट को, ठीक है, और जो दूसरा जो साइड का जो एंड है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, वाटर को. मीन्स ये है हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर से, फोबिया मतलब डरना, मीन्स वाटर से दूर होगा. वाटर से दूर होगा तो इसको वहाँ क्या मिलेगा, डर्ट मिलेगी, ऑयली डर्ट, तो ये उसके पास चला जाएगा. इट मीन्स कि इसे हम हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि ये डर्ट लविंग है, ठीक है. तो आप एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए
देखो यहाँ देखिए, ये इसका आयोनिक एंड है Na प्लस सी डब्लू ओ माइनस, ये वाला ये हाइड्रोफिलिक है, इसे वाटर लविंग हेड भी बोलते हैं। और ये जो हेड है एक तरह से हेड की तरह वर्क करता है, और पीछे वाला जो लॉन्ग कार्बन चेन है इसे हम टेल की तरह यूज ले रहे हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक है और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आयनिक एंड होता है ना, मतलब ये वाला जो एंड है ना सूप का, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व होगा ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ वाटर लविंग, वाइल द कार्बन चेन डिजोल्व इन ऑयल। अगर वाटर में डिजोल्व नहीं होगी मेरी कार्बन चेन, तो ऑब्वियसली ऑयल में डिजोल्व होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो, दस दस द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। अब मैं आपको मिसेल्स आपको समझाती हूँ। ये तो मैंने एक जो मेरा मॉलिक्यूल है या एक जो कंपाउंड है वो मैंने समझा दिया। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको मिसेल भी एक्सप्लेन करूँगी, अभी एक्सप्लेन करूँगी थोड़ी देर में, ठीक है। ये देखो, ये मेरी बकेट है, ठीक है। इसके अंदर ये क्लोथ है, उसके ऊपर ये डर्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डर्ट होता है वो ऑयली होता है, तो जैसे ये मेरा सोप है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, हेड है, और ये क्या है, इसकी टेल है। तो टेल जो है वो हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये ऑयल में डिजोल्व होगी, तो ऑयल कहाँ होगा, यहाँ तो वाटर है, ये इस मेरी डर्ट के पास ऑयल होगा, तो टेल इसमें धंस जाएगी, मीन्स ठीक है इसमें धस जाएगी। और जो हेड है वो क्या होगा, ऊपर सरफेस पर इतना दूर की तरफ से आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल देखिए आप, इस डॉट के चारों तरफ इस ओरिएंटेशन से अटैच हो जाएंगे, और इस डॉट को ऐसे फोर्स कर करके इस कपड़े से, इस क्लोथ से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मेरा बना, इससे मैंने बोला मिसेल, ठीक है। अब देखो, अब स्टूडेंट्स, व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट इनसाइड वाटर दिस मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर, ठीक है। आउट ऑफ वाटर होगा मीन्स ये क्या होगा, इसकी तरफ होगा, ऑयल की तरफ। दिस इज अचीव्ड बाय फॉर्मिंग क्लस्टर्स। अब ये एक तरह से क्या हो रहा है, मिसेल क्या है एक तरह से स्टूडेंट्स, क्लस्टर का जैसा एक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रहा है, इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल, जो टेल है इसकी हाइड्रोफोबिक, आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ये क्लस्टर के अंदर की तरफ होगी, मीन्स वो उसमें धस जाएगी। एंड द आयोनिक एंड, जो मेरा हाइड्रोफिलिक एंड है ये वाला, आर ऑन द सर्फेस ऑफ क्लस्टर। तो इस तरह से क्या हुआ, मिसेल मेरा बन गया है। तो अब ये मिसेल की फॉर्मेशन के थ्रू हम किस तरह से जो हमारा सोप है वो क्लिंजिंग एक्शन उसका किस तरह से होता है, ठीक है, पूरा एक प्रोसेस समझाती हूँ। देखो ये इस तरह से ये बन गया है, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये सोडियम वाला जो हेड है वो बाहर की तरफ है, और ये मेरा एक क्लस्टर है, और उसके अंदर ये कार्बन चेन देखो धस सी गई है, मीन्स हाइड्रोफोबिक एंड है जो इसके अंदर एक तरह से घुस गया है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा एक क्लोथ है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो है ये क्या है, डर्ट है, ऑयली इन नेचर है। जैसे ही मैंने इसको वाटर में डाला, ठीक है, वाटर में मैंने इसको डाला, तो और उसके साथ साथ मैंने सोप भी डाला, तो क्या हुआ कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इस तरह से इस डस्ट को चारों तरफ से कवर कर लिया है। किस सेंस में, कि ये जो इनका ये वाला जो एंड है ना, ये इनका हाइड्रोफिलिक एंड है और ये वाला हाइड्रोफोबिक, तो ये वाला जो एंड है ये डस्ट की तरफ होगा। देखिए आप, डस्ट की तरफ है इस तरह से, तो ये डस्ट की तरफ ऐसे एंड होके ये इस डस्ट को चारों तरफ से फोर्स करेगा। देखो अब ये जो सोप मॉलिक्यूल का ये वाला जो एंड है ना, इसको डस्ट मिलेगी छुपने के लिए, तो ये इस डस्ट में ऐसे धंसता जाएगा इस तरह से। तो इस डस्ट को ऐसे चारों तरफ से कवर करने के लिए ये क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा, तो ये क्लोथ से अलग होगी। देखिए आप, ये सेपरेट हो गया, और इसी तरह से बहुत सारे क्लस्टर्स की फॉर्मेशन होती है वाटर के अंदर। तो इन ये सारे क्लस्टर्स क्या है, एक तरह से डर्ट को रिमूव कर रहे हैं। किस तरह से, ये जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस डायग्रामेटिकली शो हो रहा है कि किस तरह से डर्ट को जो हमारे सॉफ्ट मॉलिक्यूल है वो प्रेशर करके हमारे कपड़ों से अलग कर रहा है। फिर आप इसको वाटर से वॉश करेंगे तो ये क्लस्टर इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे सोप का क्लिंजिंग एक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉब्लम है हमारे सोप के अंदर कि अगर नॉर्मल वाटर है तो वो अच्छा क्लीन करेगा हमारे क्लोथ्स को, बट अगर हमारे पास क्या है, हार्ड वाटर,
हार्ड वाटर कैसे, जैसे सी का जो पानी है वो क्या है, थोड़ा हार्ड है, तो हार्ड किस सेंस में बोलेंगे कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो जिस वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जब हार्ड वाटर के साथ हम लोग सोप यूज़ करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक स्कम बनाता है। स्कम क्या है स्टूडेंट्स, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो एक तरह से प्रेसिपिटेट की तरह बन जाता है हमारे वाटर के अंदर, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट बना लेता है ये। तो इस तरह से ये क्या फॉर्मिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस कर देता है और हमारा जो क्लोथ्स है वो अच्छे से वॉश भी नहीं होते, ठीक है। तो वी सी दैट फॉर्म फॉर्म्ड विद वेरी डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। ओके, मीन्स स्कम बन जाएगा। तो इससे आपको ये पूछा जा सकता है कि स्कम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। दूसरा, सोप हार्ड वाटर के साथ वर्क क्यों नहीं करता, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस चीज़ को, दिस इज़ कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो स्टूडेंट्स, हार्डनेस ऑफ वाटर का रीज़न क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। सेम आंसर है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो इसलिए इस चीज़ को रिमूव करने के लिए या तो हमें बहुत सारा सोप लेना पड़ेगा या हमें इसका कुछ अच्छी वेराइटी, इसका कुछ एडवांस वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या बनाया, डिटर्जेंट्स बनाया, ठीक है। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं कि ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ठीक है। वहाँ हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स थे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स थे कौन, हमारे सोप। पर यहाँ क्या है, तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनका जो चार्ज एंड होता है ये डिटर्जेंट्स का, ये इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ जो कि हमारे हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, प्रेसिपिटेट मतलब स्कम, अगर ये स्कम नहीं बनाएगा तो ये इजीली एक्शन करेगा और हमारे जो क्लोथ्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डिटर्जेंट के बारे में बस इतना ही है कि ये किससे बना होता है और ये स्कम बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है, बस इतना है। अब आपको सबसे लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में जो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आ सकता है कि आप सोप एंड डिटर्जेंट्स में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताती हूँ, आप ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी 2, 3, 4 जितने पॉइंट्स आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आप लिख दीजिए। सबसे पहले सोप, सोप आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों सही है, ठीक है। जबकि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स, मतलब इट इज़ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। देखिए ये सोडियम सॉल्ट है किसका, सल्फोनिक एसिड का, और यहाँ सोडियम सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो इसका आयनिक पार्ट ये हो जाएगा और डिटर्जेंट का आयनिक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और स्टूडेंट मैंने आपको बताई नहीं, वो ये है कि सोप को हम लोग एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स को किससे बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन किससे ऑब्टेन होते हैं, हमें क्रूड ऑयल से, ओके। और जो ये सोप है ये हार्ड वाटर के अंदर इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, जबकि ये इफ़ेक्टिव है किसमें, हार्ड वाटर में भी ये इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्कम बना लेता है। ये इफ़ेक्टिव है क्यों, क्योंकि इट डू नॉट फॉर्म स्कम। अगर स्कम बन जाता है इट मीन्स कि इसकी क्या है, पुअर फॉर्मिंग कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली इसकी क्या होगी, रिच फॉर्मिंग कैपेसिटी होगी, ओके। और सोप्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से प्रिपेयर होते हैं। जबकि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, नाउ आई थिंक ये जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बच्चों आपको समझ आया होगा, और आप एक बार जितने भी वीडियो लेक्चर्स इससे पहले डिस्कस किए हैं, गो थ्रू दोज ऑल वीडियो लेक्चर्स, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू।